आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसी टिप की जो हर एक बिगनर को अपने माइंड में याद रखनी है। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है जल्दी से बॉडी बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहली टिप है कि अपनी जिम सिलेक्शन, यानी कि अपने जिम को अपने घर की या लोकेलिटी के पास सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने जिम दूर सिलेक्ट करी तो जिस दिन आपका जिम जाने का मन नहीं करेगा तो आपको ये लगेगा कि कौन जाए इतनी दूर, कौन करेगा जिम। लेकिन अगर जिम आपके घर के पास होगी तो आप ये सोचेंगे कि चलो यार पास में ही जाना है, आधे घंटे करके लौट आएंगे वापस। हमारी दूसरी टिप है जिम एनवायरमेंट, मतलब जिम को आप ऐसा सिलेक्ट करें जहां आपका जिम करने का मन करे, जहां आप मोटिवेटेड रहें। ऐसी जिम सिलेक्ट ना करें जहां पे भीड़ हो, जहां आप जाएं तो ये सोचें कि अरे यार इतनी भीड़ है जिम करके क्या करेंगे। तो हमेशा जिम को ऐसा सिलेक्ट करें जहां आप मोटिवेटेड फील करें, जहां आपका वर्कआउट करने का मन करे। मेरी तीसरी टिप है जिम से पहले प्री वर्कआउट। तो आपको जिम जाने से पहले आधे या पौन घंटे पहले कुछ खाकर जाना है। ये नहीं कि आप खाली पेट जाके जिम कर रहे हैं, उससे आपको लो फील होगा, आप में एनर्जी नहीं होगी अच्छा वर्कआउट करने के लिए। अब आप बात करें प्री वर्कआउट की, तो आप जिम से पहले कार्ब्स या प्रोटीन लें। कार्ब्स आपको जिम में वर्कआउट करने के थ्रू एनर्जी देगा और प्रोटीन आपकी मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। आप प्री वर्कआउट में दही ले सकते हैं केले के साथ, आप प्री वर्कआउट में 6 एग वाइट्स ले सकते हैं। चौथा है जिम में म्यूजिक का सिलेक्शन, मतलब आप अपने घर से अपने ईयरफोन हेडफोन लेकर जाएं, क्योंकि म्यूजिक आपको एक एक्स्ट्रा पुश देता है अच्छे वर्कआउट के लिए। अगर आप अपने मन पसंद का गाना सुनते हुए वर्कआउट करेंगे तो आप पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपके अंदर से और आप अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। तो हमारी पांचवी टिप है ट्रेनिंग सेम बॉडी पार्ट, मतलब आप अगर चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो आप अगले दिन भी चेस्ट, उसके अगले दिन भी चेस्ट। तो ऐसा रिपीटिशन में किसी भी बॉडी पार्ट को ट्रेन मत करें। आपको एक बॉडी पार्ट को एटलीस्ट 3 डेज का रेस्ट देना जरूरी है। तो हमारी छठी टिप्स है कि अपने बड़े बॉडी पार्ट को इग्नोर करना, उसको ट्रेन नहीं करना। ये गलती मैंने भी करी थी इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगनर लेवल पे जिम शुरू करते हैं वो सोचते हैं यार लेग्स का वर्कआउट या बैक का वर्कआउट क्यों करें, कोई कुछ नहीं दिखता ये। तो मेरे भाई एक बात जान लो कि लेग्स का वर्कआउट उतना ही जरूरी है जितना बाइसेप्स चेस्ट या किसी और मसल ग्रुप का है, क्योंकि लेग्स के वर्कआउट से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है जिससे आपकी बॉडी अच्छी ग्रोथ होती है। तो हमारी सातवीं टिप है हाइड्रेशन ड्यूरिंग वर्कआउट, मतलब कि आपको वर्कआउट के थ्रू अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, आपको पानी पीते रहना है। और एक बार में आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, आपको सिप सिप करके पानी पीना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हमारी आठवीं टिप है पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट आपको आधे घंटे या पौन घंटे के ड्यूरेशन के बीच में ही लेना है। इसमें आप अपना प्रोटीन सप्लीमेंट का 1 वे स्कूप ले सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन मिले वो आपको पोस्ट वर्कआउट में लेना, ताकि आपकी मसल रिकवरी हो सके। तो हमारी 9th टिप है कि आपकी मील आफ्टर वर्कआउट, मतलब आपको जब वर्कआउट के बाद जो अपनी मील लेनी है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सारे लेने हैं, मतलब आपको कार्ब्स भी लेना है, फैट भी लेना है, फाइबर प्रोटीन सब लेना है, सारी चीज़ें इंक्लूड करने हैं। इसमें आप चिकन खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश खा सकते हैं, वेज में आप पनीर ले सकते हैं। हमारी 10th टिप है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो है स्लीप। आपको अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप देनी है, ताकि वो रेस्ट कर सके और रिकवर कर सके अगले दिन के वर्कआउट के लिए। अगर आप सही से स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपका अगला दिन वर्कआउट करने में ना तो आपका मन लगेगा, ना ही आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी रहेगी। आज की हमारी 10 ऐसी टिप जो आपको अपने ध्यान में रखनी है अगर आप जिम जाना शुरू किया है या आप जिम जाना चाहते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी और आपकी बॉडी को जल्दी बनाने में बहुत हेल्प करने वाली है।